मस्त है, मजा आ रहा है। सो फिलहाल हम यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट। कल रात को बारिश हुआ था एंड सारा सामान जो है ना बिखरा पड़ा था, वैसे हम थके हुए थे। खाना खा के बिल्कुल सीधा सो गए। अब यहाँ से निकल रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट दिन के 11 बज चुके हैं एंड पता है कि हमें सुबह उठने की आदत है नहीं इतनी जल्दी, तो काफ़ी थकान भी हो गया था। तो अभी बारिश में एक्चुअली हम भींग गए थे जिस कारण से काफ़ी दिक्कत हुआ। फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से सोच रहे हैं अभी जाने के लिए कैंपटी फॉल्स। ये था हमारा कमरा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये था कमरा जो हमने लिया था एंड ये सारा खाने वाने का सामान बिखरा पड़ा है। ये सेटल रेडी है हमारा, तो चलते हैं बाइक पे, फिर बात करेंगे। सो यहाँ से निकल रहे हैं बस। आगे देखते हैं कैसा दिन होता है आज का। दो दिन से तो मत पूछो भींग भींग के, कल रात को तो तबीयत भी खराब हो गई थी। ये भी हमारे साथ हैं, काफी हैवी लगेज है फिर भी बहुत मदद कर रहे हैं। और भैया क्या हाल है? बढ़िया सर। चलो ये था होटल का नजारा एंड आपको एक बार व्यू दिखा दूँ यहाँ से, काफी सही लग रहा है। मौसम वैसे आप देख सकते हैं फिर से वही खराब सा मौसम हो रहा है पूरा एंड यहाँ से मैं एक बार व्यू दिखा दूँ। अगर आप यहाँ से देखोगे सफ़ेद बादल वहाँ पर देख सकते हैं, कितना सारा मौसम बिल्कुल ही धुंध धुंध मौसम बिल्कुल बेकार सा हो रखा है एंड हमें ये डर है कि फिर से कहीं बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हो गई तो हमारा आज का फिर दिन पूरा दिन यूं ही ख़राब जाएगा। फिलहाल हम करते हैं लगेज लोड और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मिलते हैं सीधा सीधा क्या। सो फिलहाल हमें रिफ्यूलिंग कराना है, बाइक बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, पेट्रोल नहीं है इसमें। उसके अलावा बारिश भी आने वाली है, पता नहीं कहाँ तक जाना होगा या फिर वापस लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि अब बारिश में और भीगने की इच्छा नहीं है। हमने रेनकोट भी नहीं लिया है, ना हमारे पास कोई थर्मल है, ना कुछ है, ना हमने राइडिंग जैकेट पहने हैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे बारिश होगी, निकलने के बाद पता चला कि यहाँ तो बारिश हो रही है। और बारिश भी ऐसा कि कोई टाइम फिक्स नहीं कि शाम को सुबह को, कभी भी हो जाती है बारिश यहाँ पे। और बारिश में राइड करना भी सही नहीं है, और इसके अलावा ठंड भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने सर्दियों में राइड किया नहीं है, बात यह है कि सर्दियों में जब भी हम राइड करते हैं तो प्रॉपर गियर के साथ करते हैं, हमारे पास प्रॉपर विंटर गियर होता है। बट फिलहाल जो है यहाँ पे देख सकते हो, आज तो मैंने फुल स्लीव शर्ट भी नहीं पहने, ना ही मेरे पास राइडिंग जैकेट है आज, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें। रेनकोट होता तो कोई बात ही नहीं था, रेनकोट भी नहीं लिया हमने। और रास्ते में एक दो जगह हमने देखा तो रेनकोट सही मिला भी नहीं। और आपको पता है कि जब भी आप कहीं अलग से लेते हो, अगर आप बीच में हो तो होते हो तो दुकान वाले भी काटते हैं, तो यही सब बात है। और लो जी आ गया पेट्रोल पंप, तो हम पहले रिफ्यूल करा ले। तो यहाँ पे दो पंपों पे हमने देख लिया, कहीं भी हमें हवा नहीं मिली। फाइनली यहाँ पे हवा मिल रहा है हमें। सो यहाँ से वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे वो मालोड जाएगा, नीचे नीचे आप देख रहे हैं देहरादून हरिद्वार दिल्ली ये वाली रास्ते जाएगी। और यहाँ से हमारा प्लान बन रहा है, यहाँ से अभी कैंपटी फॉल से निकलेंगे हम लोग सीधा यहाँ से धनौल्टी, एंड धनौल्टी से फिर निकलेंगे ऋषिकेश, सर्किट पूरा करेंगे। एक्चुअली हमने प्लान थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया है क्योंकि आज अर्जेंट हमें घर पहुंचना है, तो इसलिए हमने वहां का प्लान थोड़ा सा किया है ड्रॉप और निकलेंगे सीधा सीधा
घर को, तो यू टर्न लेने से अच्छा हमने समझा चलो ऐसे कर लेते हैं, पूरा हो जाएगा सर्किट, थोड़ा सा राइड का भी मज़ा आ जाएगा क्योंकि रास्ता जो है काफ़ी अच्छा है, मैंने पहले भी किया हुआ है इस रास्ते पे राइड, तो बहुत सही है ये। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अभी महीना चल रहा है अक्टूबर, फील जो आ रहा है जनवरी का, बिल्कुल जैसे कि हम जनवरी में धुंध में घूमते हैं उस तरीके से मौसम हो रखा है बारिश के बाद, चारों तरफ धुंध ही धुंध है, धुंध है या बादल है पता नहीं लेकिन लग तो रहा है जैसे धुंध है। फिलहाल हम केम्प्टी फॉल पहुंच चुके हैं और देखते हैं अंदर चल के, मार्केट है थोड़ा, अगर आप देखेंगे दोनों तरफ से आपको मार्केट दिखेगा, यहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा है। तो नीचे के लिए यहाँ से रोप वे जाता है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे वहाँ पे एक वे उस तरफ से जा रही है नीचे को, नीचे से तीन ट्रोली एक साथ ऊपर की तरफ आती है, तीन नीचे को जाती है, एक छोटा सा रोपवे है जो नीचे डायरेक्ट फॉल के पास जाती है, वहाँ पे आप देखते हैं वहाँ से झरना दिख रहा है, वहाँ से नीचे वहाँ पे बात बनाने के लिए कुछ छोटा सा वो बना हुआ है जहाँ पे फॉल होता है, अभी हम वहाँ चलेंगे। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं केम्प्टी फॉल के पास, उतरने में तो काफ़ी मज़ा आया, अभी जब दोबारा चढ़ेंगे जब हमें पता चलेगा कि कितना ऊंचा चढ़ना है और कितना मज़ा आ रहा है चढ़ने में। बाकी मैं एक बार आपको ऊपर से व्यू दिखा दूं कि दिख कैसा रहा है नीचे। हम तो खैर नहाने वाले हैं नहीं क्योंकि होटल से ही नहा के निकले थे, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है कि नहाओ फिर चेंज करो, काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा, फिर कपड़े भींगाओ, फिर हमें ट्रैवल करना है, होटल में जाकर रुकना तो है नहीं, तो ये है कि अब ट्रैवल भी करो और कपड़े भी सुखाओ मुमकिन नहीं है, इसलिए हम जितना ज़्यादा हो सकता है चाहते हैं कि हमारे साथ कम हैवी लगेज हो, वैसे ही हमारे पास बहुत ही हैवी लगेज है। तो फिलहाल मैं एक बार आपको नज़ारे दिखाता हूँ, ये देखो गर्मा गर्म भुट्टा, फिर चढ़ेंगे पहाड़ी के ऊपर, काफ़ी टाइम लगने वाला है वैसे चढ़ाई में, उतरना तो आसान था, चढ़ने में हमारी फटने वाली हमें पता है। अब बस का नहीं है, अब थोड़ा यहाँ रुक के फिर चलेंगे, अभी शायद हाफ डिस्टेंस हो चुका है, अभी जितना हमने चढ़ा है इतना और चढ़ना है, थोड़ा दम रख लो फिर बात करेंगे।